तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अमेजोन से मंगाया था ये वाला, आप देख सकते हो ये वाला कवर, मगर मुझे क्या मिल गया है आप देख लीजिए। मुझे मिल गया है कुछ इस तरह का वाला कवर जो कि मैंने नहीं ऑर्डर किया था, मैंने ऑर्डर वो किया था क्योंकि अमेजोन पे काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो मुझे क्योंकि सेलर भी काफ़ी सारे टाइप के अलग अलग सेल करते हैं तो उन्होंने ये वाला सेंड कर दिया होगा, मगर मैं इसको तो रिप्लेस कर दूँ इसका टेस्ट करके भी। और वो वाला जब मेरे पास वापस आ जाएगा प्रोडक्ट, जब ये वीडियो अपलोड होगी तब तक तो शायद आ जाएगा, तो उसकी वीडियो भी मैं डाल दूंगा और ऊपर आपको कार्ड्स में लिंक मिल जाएगी। तो इस ये वाला भी अवेलेबल है अमेजोन पे 100 रुपये में, इसकी भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, उस वीडियो की भी लिंक दे दूंगा और उस वाले प्रोडक्ट की भी लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। तो इस वाले का हम टेस्ट कर लेते हैं, तो सीधा मोबाइल तो मैं इसमें डालूंगा नहीं, इसमें मैं पहले डालूंगा न्यूज़पेपर। तो इस वाले को मुझे फोटो देख के थोड़ा कम भरोसा हुआ था, इसलिए मैंने वो वाला ऑर्डर किया था दूसरा वाला प्रोडक्ट, मगर इसको भी अब टेस्ट करके देख लेते हैं। इसमें देख सकते हो आप लोग ट्रिपल दी हुई है लेयर, इस सील की 3 सील दी हुई है और ऊपर से एक हमें स्टिचिंग वाला वो भी दिया हुआ है कवर। तो हम मैं इसको अब पानी में डालता हूँ और देखता हूँ कितनी देर तक ये पानी घुसता है या नहीं, फिर हम मोबाइल डाल के अंडर वाटर वीडियो भी लेके देखेंगे इससे कैसा चलता है। तो पानी में मैं रखता हूँ थोड़ी देर। तो दोस्तों इसको करीब मैंने 5 मिनट तक इसको रखा है पानी के अंदर, क्योंकि मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ अपने मोबाइल के साथ। तो बलिदान पहले मैंने न्यूज़पेपर का दिया है, तो देखते हैं गीला हुआ है या नहीं। इसमें से थोड़े बबल तो निकल रहे थे जो कि हमने जब इसको फोल्ड किया तो वो वाले थे शायद, थोड़ी देर तक निकले फिर कोई भी बबल वगैरह मुझे देखने को नहीं मिला। तो अभी मैं इसको निकाल के देखता हूँ, मेरे पहले हाथ वगैरह स्पॉन्ज लेता हूँ कपड़े से और फिर अब देखते हैं इसको निकाल के। तो आप देख सकते हो पानी बाहर तो है मगर अंदर की साइड में मुझे पानी नज़र नहीं आ रहा है, और आप देख सकते हो न्यूज़पेपर पूरा का पूरा, ये देखिए सूखा न्यूज़पेपर है। तो अब हम ट्राई करते हैं फ़ोन को डाल के फटाफट। तो ये आप देख सकते हो रेडमी नोट 3 है मेरे पास, तो ये फ़ोन फिट हो चुका है इसके अंदर और ये अपना स्क्रीन टच भी काम कर रहा है सही से, कैमरा वैमरा सारी सही क्वालिटी चल रही है, एकदम क्लियर है इसका प्लास्टिक, तो वीडियो सही आएगी। तो अब मैं फ़ोन को अंदर डाल देता हूँ इसके पानी के अंदर, और पानी के अंदर रखता हूँ थोड़ी देर 2-3 मिनट तक, और वीडियो वगैरह मैंने ऑन कर दिया, तो वीडियो आप देख सकते हो कैसी आ रही है पानी के अंदर से। तो दोस्तों इसको देख के तो मुझे इस पे जरा सा भी भरोसा नहीं हुआ था, मगर ये पास हो गया है अपना टेस्ट, वाटरप्रूफ का टेस्ट। तो आप आराम से इससे अंडर वाटर वीडियोस वगैरह ले सकते हो अगर आप कहीं पे अम्यूजमेंट पार्क या फिर कहीं स्विमिंग पूल वगैरह में आप जाते हो, तो फोन भी आपका सूखा हुआ रहेगा। अगर मुश्किल से 2-3 बूंद पानी घुस भी जाता है तो अपने फोन आजकल वाले ज्यादा खराब नहीं होते हैं, ज़्यादा पानी से ही ख़राब होते हैं। तो ये तो मुझे ट्रिपल सील वाला वाटरप्रूफ सही लगा है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, 100 रुपये में अमेजोन पे अवेलेबल है। और अगर आपको भी गलती से वो कुछ और भेज देते हैं इसकी जगह या फिर आपको, तो फिर ये रिप्लेसेबल है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, मैंने भी इसको रिप्लेस कर दिया है। तो वो वाला प्रोडक्ट जो दूसरा आएगा उसकी भी वीडियो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसकी भी परचेज की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हो अपने हिसाब से। मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो वाटरप्रूफ वाले। तो फ़ोन पूरा बिल्कुल तरीके से सूखा हुआ है, फ़ोन पे क्या है रिफ्लेक्टर लगा हुआ है इसलिए ये पर्पल कलर का शेड आपको दिखा रहा होगा, तो इसके टेम्पर्ड ग्लास पे रिफ्लेक्टर है। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कोई क्वेश्चन हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।